नमस्ते दोस्तों, सड़क से जहाँ भी दीवार शुरू होती है वहीं से वेजिटेशन स्टार्ट हो जाए, घास पत्ते उगने शुरू हो जाएं। आज मैं ऐसी ही जगह पर पहुंच गई हूँ। ये है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आई हूँ मैं जिस जगह पर, उसका नाम है कसौली। बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है। अंग्रेज़ों ने इस हिल स्टेशन को बसाया था और यहाँ पर आने के लिए हिमाचल प्रदेश की बसेज ली जा सकती हैं। उसके अलावा अपने कन्वेंस से भी आ सकते हैं। रोड्स एकदम पक्की अच्छी बनी हुई हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी रोड सक्रिय होती है। इस तरह के होम स्टे भी यहाँ पर हैं। होम स्टे हैं तो किचन भी मिल जाता है, और किचन मिलता है तो अगर कुकिंग करनी है तो उसके लिए राशन का सारा सामान भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। और ये रोड अलग अलग, कोई चंडीगढ़ जाती है, कोई और कहीं जाती है। थोड़ी सी ज़्यादा नैरो हो जाती है रोड जब हम एकदम ऊपर आ जाते हैं। मैं जहाँ पर रुकी हूँ ये जगह है हिमाचल टूरिज्म का गेस्ट हाउस। पार्किंग के लिए काफ़ी भरपूर जगह है यहाँ पर। बिल्डिंग बहुत ऊंची नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत है। आपको मैं अंदर से पूरी बिल्डिंग और इसका रूम और बुफे सब कुछ सिखाती हूँ। इसकी बुकिंग ऑनलाइन की जा सकती है। ये बिल्डिंग जैसी बाहर से दिखती है, कुछ कुछ उसी तरह की पेंटिंग यहाँ रूम्स में भी लगाई गई हैं, और रात का नज़ारा यहाँ का कुछ ऐसा दिखता है। ऊपर आने के लिए यहाँ लिफ्ट है, सामान भी आराम से लाया जा सकता है, और 30-32 रूम्स यहाँ पर हैं, लेकिन मैक्सिमम बुक्ड रहते हैं क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है और एम्बियंस बहुत अच्छा है। तो जो एक बार यहाँ आ जाता है वो दोबारा यहाँ आना चाहता है। वाईफाई की फैसिलिटी भी है यहाँ पर। अब आपको मैं रूम का नज़ारा दिखाती हूँ। पावर लॉक लगे हुए हैं। डोर हम लॉक कर देंगे, पावर लॉक है, और ये की जब हम इसमें लगाएंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी।
इन कर्टेन के पीछे ये दरवाजा और इसके पीछे का नजारा मैं आपको आगे दिखाती हूं। ग्राउंड फ्लोर के बुफे में आ गई हूँ। आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ का बुफे किस तरह का है और कितने एरिया में है। अगर और क्लोजली देखना है तो यहाँ से बाहर भी आ सकते हैं। यहाँ पर भी सिटिंग अरेंजमेंट है और फूड भी सर्व कर दिया जाता है। बहुत ही अच्छी वादियाँ यहाँ से नज़र आ रही हैं। अब वापस मैं अंदर आ गई हूँ। ये रिसेप्शन एरिया है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर ही है और यहाँ पर पहाड़ी तरह से एम्बियंस में डेकोरेशन को इस्तेमाल किया है। रूम में ये दो दीवारें जो हैं, ये कर्टेन वाली दिखाई मैंने आपको, इनके पीछे पूरा खुला एरिया है। जैसे कि ये डोर अगर खोलेंगे तो एक जाली का दरवाज़ा भी है कि इसको लगाकर भी अगर रखें तो बाहर से ना कोई मच्छर एटसेट्रा अंदर आएगा और बालकनी का मज़ा भी ले सकते हैं। और हमने भी यहाँ बैठकर नाइट व्यू लिया कसौली का और वहाँ की ताज़ी ताज़ी हवा खाई। ये सुंदर सा रूम दिखाने के बाद अब मैं आपको कसौली का कुछ बाहर का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ आने के सबसे अच्छे मंथ जुलाई से लेके सितंबर या उसके भी थोड़ा बाद तक आ सकते हैं। बहुत अच्छा वेदर रहता है, टूरिस्ट की भरमार रहती है, होटल्स यहाँ काफ़ी अच्छी मात्रा में हैं, आराम से मिल जाते हैं। ये वैसे कंटोनमेंट एरिया है तो काफी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर ये बहुत खूबसूरत सा चर्च भी है। थोड़ा और आगे आते हैं तो ये मल्टी लेवल पार्किंग बनी है। अगर होटल्स के आसपास पार्किंग नहीं मिल रही तो इस मल्टी लेवल कार पार्किंग में अपनी कार पार्क करके हम होटल तक पैदल आना जाना कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कसौली बड़ा एरिया नहीं है। ये पार्किंग की एंट्रेंस और आउट है। इस मार्केट से हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें ले सकते हैं और चाहें तो जाते हुए कुछ तोहफे, कुछ यादगार चीज़ें भी ले जा सकते हैं। तो मेरा ये कसौली का ट्रिप जो मैंने आपके साथ शेयर किया विद फुल डिटेल,
आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।